नई नई रेसिपी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में इस बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं कटोरी चाट, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे बच्चे भी खाना बहुत पसंद करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक जो है कि बर्तन में यहाँ पे लिया है मैदा। तो मैदा यहाँ पे मैंने लिया हुआ है लगभग 2 ग्लास। तो आप जो है कि अपने बनाने के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसके बाद मैंने लिया है 1 टेबल स्पून के करीब नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिए, नमक कम ही रखना है। इसके बाद यहाँ पे मैंने डाला है रिफाइंड ऑयल। यहाँ पे आपको रिफाइंड ऑयल 4 टेबल स्पून, बड़े टेबलस्पून से अगर बड़े चम्मच से डालते हैं तो 4 चम्मच यहाँ पे जो है कि रिफाइंड ऑयल डालना है। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से हमें जो है कि मिक्स कर लेना है। इसको जो है हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से मिक्स करना है। इस तरीके से मिक्स करना है कि जब इसे हम हाथों पे लेके इस तरीके से, और जब इसको हम बंद करें ना, तो एक बाइंड बन जाए। देख सकते हैं आप, इस तरीके से बनना चाहिए। इस तरीके से आपको जो है कि इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ, मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको मिक्स कर लिया है और इस पे हम डालेंगे पानी। तो आप जो है कि नॉर्मल पानी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप पानी गुनगुना अगर डालते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। इसके बाद इसे हम गूंथ लेते हैं। यहाँ पे मैंने जो है कि मैदे को जो है कि गूंथ लिया है, और गूंथ के यहाँ पे ढक के हम 10 मिनट के लिए रेस्ट छोड़ देते हैं। इसको रेस्ट करने के लिए 10 मिनट के बाद यहाँ पे मैंने निकाल के देखा है। यहाँ पे देख सकते हैं मैदा जो है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से एडजस्ट हो चुका है, यानी कि बहुत ही बढ़िया से सेट हो चुका। अब जो है कि मैदे में से मैंने जो है कि एक छोटा टुकड़ा तोड़ लिया है। यहाँ पे देख सकते हो आप, इसको जो है कि अच्छी तरीके से बॉल्स बना लेना है। मैं बॉल्स इसलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ बना के, ताकि जो है कि ये थोड़ा सा जो है कि रोटी से जो है कि बड़ा होना चाहिए। और अब जो है कि एक चकली ले लीजिए, इसमें जो है कि आप तेल से जो है कि चकली के ऊपर थोड़ा सा ग्रीसिंग कर दीजिए। इसके बाद हम जो है कि बॉल्स इस पर डाल देंगे। ये जो रोटी हम जो नॉर्मल रोटी रोज घर पर बनाते हैं, उससे थोड़ी सी जो है कि बॉल्स बड़े होने चाहिए। इसके बाद इसे अच्छी तरीके से हम बेल लेंगे। इस पे मैदा का बिल्कुल यूज नहीं करना है सूखा, जितना हो सके आप तेल से ही इसको बेल लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे जो है कि मैंने बेल के तैयार कर लिया है। और यहाँ पे जो है कि मैंने जैसी रोटी हम बेलते हैं ना, सेम उसी कंडीशन में मैंने इसको बेल लिया है। आपको ज़्यादा पतला नहीं करना है, ज़्यादा मोटा नहीं करना है। इसके बाद इस तरीके से आपको कटोरी ले लेनी है। आपके पास जैसी कटोरी हो आप ले सकते हैं, कटोरी नहीं हो आप गिलास पे भी बना सकते हैं। इसके ऊपर जो कटोरी के ऊपर अच्छे तरीके से तेल लगाना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, कटोरी के ऊपर अच्छी तरीके से तेल लगाइएगा, ताकि तभी जाके जब ये हम तेल में डालेंगे ना, तो तभी जाके निकलेंगी। इसके बाद इस तरीके से कटोरी को रख देना है। इसके बाद इसे भी जो है कि उसके ऊपर बीचों बीच में रख देना है। रखने के बाद जो है कि आपको थोड़ा सा जो है कि इसे उठा लेना है और अपने हाथों से, यानी कि अपने फिंगर से जो है कि इसके जो साइड वाले हिस्से जो निकल रहे हैं ना, आप देख सकते हो, इसे जो है कि आपको थोड़ा सा फोल्ड करके और इसे जो है कि मोड़ते जाना है। आप चाहो तो इसे फोल्ड कर सकते हो, और चाहें तो आप जो है कि इसे थोड़ा थोड़ा ऊपर करके और इसे निकाल के कट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फोल्ड कर देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो देख सकते हैं आप, इस तरीके से हाथों से आपको प्रेस कर देना है, ताकि ये अच्छे तरीके से कटोरी के साइज में आ जाए। अगर आपकी कटोरी के साइज में नहीं आती है, तो आपको इसको थोड़ा सा प्रेस करके और ऊपर की तरफ खींचते जाना है। इसके बाद ये बिल्कुल कटोरी के साइज में आ जाती है। अब इस तरीके से फॉग ले लेना है, आप इसे कांटे वाले चम्मच बोल सकते हैं, और इसे इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके होल कर देना है। अगर आपके पास इस तरीके से चम्मच ना हो, तो आप जो है कि चाकू की मदद से भी छोटे छोटे होल्स कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने हर जगह जो है कि छोटे छोटे होल्स कर दिए हैं। आप ज़्यादा बड़े बड़े होल्स मत कीजिएगा, छोटे छोटे होल्स कीजिएगा। और ये जो हमारी 2 कटोरी मैंने तैयार कर ली है, अब जो है कि यहाँ पर मैंने तेल गर्म कर लिया है। तेल बिल्कुल मीडियम गर्म होना चाहिए, ज़्यादा हाई नहीं गर्म होना चाहिए। जैसे कि आप डालते हुए देख सकते हो, तेल में थोड़ा थोड़ा बुलबुला आ रहा है, यानी कि तेल बिल्कुल मीडियम गरम है। इसके बाद इस तरीके से तेल को हिलाते हुए आपको इस तरीके से कटोरी के साइड में जो है कि इस तरीके से तेल को करते जाना है। कटोरी जो है कि अपने आप जो है कि ये ऊपर आना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से आप किसी भी चिमटा के मदद से पकड़ के, या फिर आप किसी भी चीज़ के मदद से पकड़ के इस तरीके से हिला के कटोरी निकाल सकते हैं। देख सकते हैं आप, कितनी इजीली कटोरी निकल चुकी है। आप जो इसके ऊपर है ना, इसमें जो है कि हम हल्का सा तेल को इसी में से डाल देंगे। तो देख सकते हो आप, इस तरीके से हिलाते हुए आप थोड़ा सा इसको
इसको हिलाते हुए गोल्डन ब्राउन कलर का कर लीजिए। गैस का फ्लेम जो है कि मीडियम होना चाहिए। इस तरीके से आप जो है कि इसको अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन कलर कर लीजिए। आप चाहे तो इसको पलट भी सकते हैं और यहाँ पे इस तरीके से हिलाते हुए भी जो है इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से गोल्डन कलर हो चुका है, यहाँ पे देख लीजिए आप। और ये जो कटोरी है ना, जब बनती है तो बहुत ही कुरकुरी होती है। इसी तरीके से हम बाकी कटोरी को भी बना के तैयार कर लेते हैं। तो चलिए जो है कि इस कटोरी को हम अलग एक प्लेट में रख लेते हैं। तब तक के लिए हम देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिया हुआ है काबुली चना। इसको आप मटर वाला चना भी बोल सकते हैं, छोले चने भी बोल सकते हैं, आप कोई भी चने का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको जो है कि मैंने पूरी रात भिगो दिया था और सुबह जो है कि इसमें 2 सीटी लगा दी थी। तो ये जो दबाने पर देख सकते हो आप, बिल्कुल इस तरीके से होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है कि मैंने इस चने का इस्तेमाल किया है, आप काला वाला चना भी ले सकते हैं। तो चलिए जो है कि आगे मैं बता देती हूँ इसमें क्या क्या डलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया हुआ है कटा हुआ टमाटर, जो कि मैंने बारीक अच्छे से काट दिया था। इसके साथ मैंने ली हुई हरी मिर्च, ये जो है कि मैंने 4 हरी मिर्च ली है, इसको बारीक काट दिया था। यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिया था, इसको भी मैंने चॉप्ड कर दिया था, आप चाहे तो बड़ा भी रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन का अच्छे से पेस्ट बना लिया था, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, इस बाउल में मैंने 1 चम्मच जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं जीरा लिया है मैंने। इसे हम इसमें डाल देंगे, सारे मसाले को जो है हम इसी के अंदर डाल देंगे। 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने लिया है काली मिर्च का पाउडर। 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने लिया है गरम मसाला। गरम मसाला आप यहाँ पर बढ़ा या घटा भी सकते हैं। 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने लिया धनिया पाउडर, से बहुत अच्छा सा इसमें एक फ्लेवर आता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा सा हो जाता है। इसी के साथ यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 छोटी चम्मच यहाँ पे मैंने लिया है सरसों। सरसों से भी सब्जी का टेस्ट बढ़ जाता है। 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने लिया है लाल मिर्च, ये तीखी लाल मिर्च है, आप चाहे तो कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए यूज कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने लिया है हल्दी पाउडर। इन सारी चीज़ों को जो है हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो ये सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं ताकि हमारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसमें जो है हम धीरे धीरे करते हुए पानी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने धीरे धीरे करते हुए पानी डाला है और पानी डालकर बिल्कुल धीरे धीरे करते हुए आपको एक घोल बना लेना है। इस तरह से अगर अपने मसाले का आप एक अच्छा सा पेस्ट बना लेते हैं तो उससे इसका फ्लेवर जो है और ज़्यादा टेस्टी आता है और जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। ऐसे हम लोग अगर डालते हैं तो वो सब्जी के अंदर जो है जल जाते हैं कुछ मसाले, और इस तरह से डालने के बाद सब्जी का टेस्ट दुगुना बढ़ जाता है। तो आप भी ऐसे करके ज़रूर ट्राई करिए एक बार, इससे सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ये सारे मसाले जो है हमने अच्छी तरह से मसाले को जो है एक पेस्ट इसमें बना लिया है। इसके बाद हम बनाने वाले हैं कुकर में, आप चाहे तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं, पैन में भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने डाला हुआ है रिफाइंड ऑयल, आप किसी भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें डाला है जीरा, तो जीरा यहाँ पे डाल देते हैं और जीरा को थोड़ा सा ब्राउन होने देते हैं। गैस का फ्लेम हम बिल्कुल मीडियम रखेंगे। इसके बाद जब जीरा ब्राउन हो जाए तब इसमें हम सूखी हुई लाल मिर्च डालेंगे, ये आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया हुआ है खड़ा गरम मसाला, यानी कि साबुत गरम मसाला मैंने डाला है। गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखा है। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम तेल में इसका फ्लेवर आ जाए तब तक के लिए हम बस 2 सेकेंड इसको पकाएंगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने डाला हुआ है जो मैंने पेस्ट बनाई थी अदरक लहसुन का, ये डाला है मैंने। इसके बाद जो है कि मैंने डाला हुआ है यहाँ पर कटी हुई प्याज, कटी हुई प्याज को भी मैंने साथ ही में डाल दिया है और इसे जो है कि अच्छी तरीके से हम थोड़ा सा चला लेंगे। इसके बाद मैंने डाला हुआ है हरी मिर्च और इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा हम ब्राउन होने तक भून लेंगे, ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है। प्याज जो है कि हल्का सा कच्चा रहे तभी जो है कि इसमें हम टमाटर डाल देंगे। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से मेरे जो है कि प्याज थोड़े से पक चुके थे, अब इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर। टमाटर डालने के बाद जो है कि आप इसको जो है कि अच्छी तरीके से चला लीजिए। आप तुरंत ही मसाला बिल्कुल ना ऐड करिए, इसे जो है कि 2 मिनट तक मिक्स होने दीजिए ताकि टमाटर जो है कि अपना फ्लेवर तेल के अंदर छोड़ दे। इसके बाद जो हमने मसाले को तैयार किया था ना, बस वही मसाले हम इसमें डाल देंगे।
जब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे ना, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम मीडियम करना है और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए जो टमाटर है ना उसको हल्का सा प्रेस कर देना है ताकि जो है कि सब चीज़ इसमें मिक्स हो जाए। इसके बाद यहाँ पे मैंने डाला है 1 टेबल स्पून के करीब लाल मिर्च है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे डालने से टेस्ट अच्छा आता है। इसके बाद यहाँ पे मैंने डाला है 1 टेबल स्पून के करीब नमक। नमक आप अभी चाहें तो डाल सकते हैं या फिर बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहीं पे ऐड कर दिया है। इसके बाद जो है कि इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और इस टाइम पे भी गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है जब तक कि हमारे मसाले जो है कि अच्छी तरीके से पक नहीं जाते। जब हमारे मसाले अच्छी तरीके से पक जाएंगे तो इस तरीके से देख सकते हो आप, इस तरीके से तेल जो है कि इसमें से निकलने लगेंगे। इसका मतलब ये है कि बहुत ही बढ़िया से पक गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे जो हमारे छोले वाले चने हैं ना, बस वही हम इसके अंदर डाल देंगे। और डालने के बाद जो है कि मैं यहाँ पे एक और चीज़ बता देती हूँ, मैंने यहाँ पे जो है कि आलू, बॉयल आलू का भी इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो इसे डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू का यूज किया है। इसके बाद इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसे जो है कि हमें लगभग 5 मिनट तक इसी के अंदर भूनना है और गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम होना चाहिए, हाई पे मत करिएगा नहीं तो मसाले जल जाते हैं। तो इस तरीके से आप भूनिए ताकि इसमें से भी जो है कि तेल निकलना चालू हो जाए। इसके बाद जब आप इसमें से अगर तेल निकल जाए तब इसमें आप पानी डालिए। पानी आप अपने अनुसार डाल सकते हैं जितना आपको ग्रेवी रखना है। तो यहाँ पे देखिए पानी डालने के बाद जो है कि मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद जो है कि आप इसमें डाल दीजिए 1 टेबल स्पून के करीब गर्म मसाला। तो यहाँ पे जो है कि मैंने डाला है गरम मसाला और इसको जो है कि अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इस जब तक ये जो पानी हमारा है ना वो अच्छी तरीके से हल्का सा गुनगुना गरम नहीं हो जाता तब तक आप प्रेशर कुकर का ढक्कन नहीं लगाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि खुले में बनाना तो आप प्रेशर कुकर को ढक्कन मत लगाइए। तो यहाँ पर मैंने ढक्कन लगा के और बनाया था, यहाँ पर मैं निकाल देती हूँ, 1 सीटी में मैंने निकाल दिया है और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितने बढ़िया तरीके से हमारे जो छोले हैं ना वो बन के तैयार हुए हैं। इसे जो है कि हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो इसमें ऊपर से कटी हुई धनिया डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी जो है कि इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है कटोरी जो कि मैंने बना के तैयार किया था और ये जो है कि कटोरी बहुत ही क्रिस्पी बनती है, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। देख सकते हैं आप बिल्कुल कटोरी के शेप में आई है और इसे अगर आप तोड़ेंगे ना तो बहुत ही क्रिस्पी है ये और बहुत ही कुरकुरी जो कटोरी हमारी बनके तैयार हुई थी। तो चलिए जो है कि हम इसमें अब जो है कि स्टफिंग भर के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट जो है कि कटोरी के अंदर स्टफिंग भर के तैयार कर लेती हूँ। आप अपने मनपसंद के स्टफिंग भी इसके अंदर भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने बारीक कटा हुआ प्याज डाला है ऊपर से। आप जो है कि इसकी स्टफिंग की जो है कि आप अलग अलग से स्टफिंग कर सकते हैं, आप चाहे तो इसकी जगह पे कोई और हरी सब्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने रेड टमाटो सॉस डाला हुआ है। इसके बाद हम डालेंगे हरी चटनी। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर जो है कि हरी चटनी डाला है। इसके बाद से हम डालेंगे इमली की चटनी। तो यहाँ पे मैंने इमली की चटनी जो है कि इसके ऊपर से डाला है। ये सारी चीज़ें नहीं है तो आप जो है स्किप कर सकते हैं। इसके बाद से मैंने डाला था थोड़ा सा दही, उसके बाद टमाटर डाला था, उसके बाद मैंने फिर से जो है कि दही डाली है। इसको अपने मनपसंद से जो है कि आप गार्निश कर सकते हो, आपको जो इसमें अच्छी चीज़ें लगे आप वही डाल के और इसको बना के तैयार करिए। ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से जो कटोरी चाट है वो बन के तैयार हुआ है। तो इस तरीके से आप भी जो है कि अपने घर पे कटोरी चाट बना सकते हैं और ये बच्चों को भी बहुत ही पसंद आती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।